प्रदेश के किसानों को प्रति क्विंटल गन्ना की फसल पर अब 10 रुपए बढ़कर मिलेंगे। ऐसा फैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिया है, जिसको लेकर किसान संतुष्ट और खुश हैं। मगर वही सीएम साहब से खफा भी हैं। उनका कहना है कि बेमौसम गेहूं के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है वो किसानों के लिए नुकसानदायक है। किसानों के लिए गेहूं की फसल पर पैसे मार्च में बढ़ाने चाहिए ताकि उन्हें लाभ मिल सके। अब तो उन्हें बीज के लिए खरीदना पड़ेगा तो महंगा मिलेगा। साथ ही कुछ किसान सरकार के 3 साल पर खुश दिखे तो कुछ नाराज। गेहूं पे जो अब बढ़ाए, अब जिम्मेदार बीज भी खरीदेगा, जाडे में भी तेरे भैया गेहूं भी खरीदेंगे तो गलत है। कब बढ़ाने चाहिए ये पैसे? ये फसल मार्च में फसल पर बढ़ाने चाहिए। ऐसे ही है, अब जैसे यू अभी हुआ, अब धानन पे बढ़ाया कुछ पैसा नहीं, तो क्या रहे फसल आ रही है। तो आपका कहना है कि फसल के समय पे पैसे बढ़ाने चाहिए किसानों के लिए? किसान के बिल्कुल। और अब तो सारे जाने कुछ भैया जो नहीं खरीदेंगे अनाज भी खरीदेंगे। गन्ना के लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन दाल के लिए भी गलत है, अरे गेहूँ के लिए भी गलत है, क्यों? बुआई जुताई चल रही है, बीज की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। तो रेट बढ़ गए, इन्हें रेट बढ़ाने तो मार्च में बढ़ाते हैं। जिम्मेदार को कहाँ फायदा कर, मार्च में बजट आ रहे, मार्च जिम्मेदार को मार रहे हैं बेचारे को। अब तो सब खरीदारी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, बीज के लिए भी, दाल चने भी बुए हैं, सब कुछ बुरा हो जाए तो ठीक बढ़ाया। गन्ने की फसल आ रही है, जिम्मेदार को बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल राइट है, अच्छा बढ़ाया, ठीक बढ़ाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो गेहूँ पे बढ़ाया, अब किसान को बीज भी चाहिए, फसल बोने की तैयारी हो रही है, उसमें 110 रुपये बढ़ाए जो वो नुकसान जिम्मेदार, आज नुकसान है, फसल का टाइम आएगा जब रेट डाउन हो जाएगा, उसमें जिम्मेदार को आज नुकसान है।